नमस्ते, मैं हूँ किंशुक वैद्य और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मुंबई से मेहमान आए हुए हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनका नाम है शुभू। जी हाँ, और इनके पिताश्री जो हैं ऑल इंडिया दूरदर्शन से भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें जो हैं, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आप कैसे गाते हैं, इसके बारे में अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं शुभू जी। तो आप सभी को भी बड़ा अच्छा लगेगा जब उनकी बातें सुनेंगे, तो किस तरह से आप एंजॉय करेंगे उनकी बातें सुनकर। और मुंबईकार हैं तो हमेशा मुंबईकारों को लोग जो हैं हमेशा याद करते हैं कि भाई मुंबई माना ऑलराउंडर सिटी है ना, जिसमें सारे लोग रहेंगे, सारे धर्म के लोग रहेंगे, सारे जाति के लोग रहेंगे, और एक से बढ़कर एक एक्टर, तो एक से बढ़कर एक दूसरे किस्म के लोग भी वहाँ पर मिलेंगे और आम जनता भी इसमें बिल्कुल रम जाती है। तो इसीलिए मुंबई कभी रुकती नहीं, मुंबई ऑलवेज रनिंग कहा जाता है। द शो मस्ट गो ऑन जो डायलॉग है वह शायद मुंबई पर ही है। आइए, शुभू जी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच शो में बुलाने के लिए। शुभू जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मुंबई में अभी फ़िलहाल आप रह रहे हैं, तो क्या पहले से बॉर्न एंड ब्रॉट अप आप मुंबई से हैं या कहीं और से? नहीं रमेश जी, मैं पिछले 13-14 साल से मुंबई में हैं हम लोग। बचपन तो मेरे पापा, जैसे आपने बताया था, जी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हर 2-3 या 5 साल में ट्रांसफ़र होता था। अच्छा। तो पैदा हुए थे बैंगलोर, फिर मैंगलोर, फिर दिल्ली 5 साल, हैदराबाद 5 साल, अहमदाबाद 20 साल, और फिर अभी मुंबई। सो पूरा स्कूलिंग, कॉलेज, फिर 11-1 साल का जॉब, वो पूरा गुजरात अहमदाबाद में हुआ। अच्छा। और पिछले 13-14 साल से मुंबई में। तो अभी कौन सा जॉब कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल मैं बैंकर हूँ, पर 22 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। 22 साल में 18 साल टेलीकॉम में मैं रहा हूँ। अरे वाह। सो इसके पहले DBS बैंक में मैं काम कर रहा हूँ अभी। DBS बैंक के पहले मैं वोडाफोन में काम कर रहा था, वहाँ पर 10.5 साल काम किया था। अच्छा। सो वोडाफोन का मेरा ऑफर हुआ, उसके बाद हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए। पापा मम्मी को पहले, मुंबई का वो बाहर से नज़रिया ऐसा है कि अरे मुंबई कौन जाएगा, भागा भागी कौन करेगा वैसा। तो जब हम लोग जब शिफ्ट हुए तब पापा मम्मी वो लोग आए नहीं थे। अच्छा। और मेरी नानी और वो सभी हुआ करते थे साउथ में, तो फिर उनके साथ रहना पसंद कर रहे थे उन्होंने। फिर वो हुआ, उसके बाद फिर हम जहाँ रहते हैं अभी थाने में, वहाँ पर वो लगता भी नहीं है कि मुंबई है। सो टाउनशिप बहुत अच्छा है, पापा मम्मी अभी साथ में ही है, सो सेटल्ड है वैसा। चलिए, आपके लिए कह सकते हैं सब घाट का पानी है। हाँ, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। लोग बोलते भी हैं कि सुब्रमण्यम अय्यर, बोले नाम तो साउथ इंडियन है पर हिंदी बोले ठीक ठाक बोल लेते हो, वो साउथ इंडियन टोन नहीं है, समझ में भी अच्छा आ जाता है। सो वो सब थैंक्स टू पापा, उनके ट्रांसफर की वजह से। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हम लोग जब बात करते हैं, निश्चित तौर पे बातों में जो है, हम अपनी जो जीवन की जो चुनिंदा अनुभव है वो जब हमारे बीच में आता है, तो निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि भाई जीवन कितना सुंदर है, सुगम है, और व्यक्ति जो है कितने जगह से होकर एक जगह सेटल होता है। और निश्चित तौर पे हमें नौकरी के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन सभी के साथ अगर हम अपने वैल्यूज़ को अपने साथ रखते हैं, वो चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कहीं भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, तो शुभू जी के अंदर शायद वो एडजस्टमेंट, हाँ शायद वो इधर उधर घूम फिर के शायद डेवलप हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि लोगों से मिलना, अलग अलग किस्म के लोगों से मिलना, फिर उनको समझना, उनसे you know. अच्छा, आपने अलग अलग जो जॉब सेक्टर में काम किया, टेलीकॉम फिर बैंकिंग, तो सबसे ज़्यादा आपको जो सुकून है वो जॉब करते हुए कौन सी जगह पे मिला आपको? भले ही मैं टेलीकॉम और बैंकिंग में भले ही मैंने काम किया जी, मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये था कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ मैं। हाँ, इंजीनियर हूँ, फिर MBA और वो सब किया हुआ है, पर पापा भी टेक्निकल साइड में थे। अच्छा। सो
अपने जनरेशन में ऐसा था कि पापा ने जो किया बोले बेटा बोले वो भी वही करेगा, इंटरेस्ट हो नहीं हो, आज के जनरेशन के जैसा नहीं है, बच्चे बहुत क्लियर हैं कि उनको करना क्या है। सो वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर लिया। उसके बाद फिर पता चला कि 2 साल के बाद पता चला कि वो पता नहीं, मुझे वो रेजोनेट नहीं कर रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, मुझे लोगों से बात करना, लोगों के साथ यू नो वो करना मुझे पसंद था, और इसलिए मैं सर्विस लाइन में मैं चला गया। सो कस्टमर सर्विस एज ए डोमेन उसमें मैं चला गया। स्टार्ट मैंने कॉल सेंटर में मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो करते 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 पूरा कस्टमर सर्विस का जो पूरा ये है वो सब कुछ कर लिया था मैंने। अच्छा अच्छा वो करा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर अभी या भगवान की देन है जहाँ भी पहुँचा हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। सो लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, कुछ अच्छा उनकी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी तकलीफें हैं वो अगर आप यू नो आप कैसे हेल्प कर सकते हो तो वो कर सकते हैं। धीरे 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 वो मन के अंदर वो हो गया है और इसलिए शायद वो नेचुरली आ जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो नेचुरली किसी न किसी व्यक्ति से हम प्रभावित भी होते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जिनसे आप काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिला हो जॉब सेक्टर में भी? जॉब सेक्टर आप ले लो या फिर स्कूल कॉलेज एंड देन अल्टीमेटली जॉब सेक्टर, सभी इसमें मेरा शायद बचपन और प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ की आपने बात की थी पहले। हमेशा से ऐसा ही है कि मैं जब जिस किसी से मैं बात करता हूँ कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही लेते हो उनसे, कुछ ना कुछ उनसे पसंद आ ही जाता है जिससे आप सीख सकते हो उनसे। तो स्कूल में टीचर्स हो गए, कॉलेज में कुछ लेक्चरर्स प्रोफेसर्स और वो सब हो गए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके करियर में जब प्रोग्रेस करते हो तब आप किसी को आइडियलाइज आप करते हो कि अरे यार ये कितना अच्छा काम करती है या कितना अच्छा काम करते हैं, इनसे तो ये सीखने जैसा है। सो ऐसे काफ़ी सारे वो रहे हैं। बिसाइड्स वर्क मेरा ये है कि स्पोर्ट्स का कीड़ा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल 1983 वर्ल्ड कप इंडिया जब जीता था उसके बाद वो क्रिकेट का पैशन एकदम से आ गया था। बचपन में ये भी था कि क्रिकेटर बनना है पर अगेन अपने इसमें साउथ इंडियन कंजर्वेटिव फैमिली थिंकिंग और वो ये था कि जब मैंने घर पे भी जाके बोला कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे कोचिंग फॉर्मल कोचिंग मुझे ज्वाइन करना है, तब तो डांट पड़ी, बोले खेल कूद के क्या करोगे, बोले अच्छे से बोले बैठ के पढ़ लो उससे। तो तब तो ये भी नहीं आया था कि आप नजर उठा के देखें सामने आप बात करो, उन्होंने बोल दिया, पापा मम्मी ने बोल दिया, बस वही करो। तो करके लेकिन अंदर वो पैशन था कि यार खेलना है करके फिर कॉलेज में खेला। उसके बाद अभी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स और वो सब हम लोग खेलते हैं। स्पोर्ट्स एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखा देता है जी जी लाइफ में। आप हारो तो उसको एक्सेप्ट कैसे करो, उसमें से आप सीख क्या लो, कल उठ के वापस आपको लड़ने की ताकत वो सब कुछ सिखा देता है वो आपको। बिल्कुल। आपको वो एफर्ट देना पड़ेगा और वो सब है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छे से डेवलप हो गया। वोडाफोन में फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन रह चुका था फिर इधर आके इधर भी वो कोर टीम के इसमें DBS बैंक वहाँ पर भी काफ़ी टूर्नामेंट्स और वो सब होते रहते हैं। तो ओवर सो वीकेंड्स में ये मेरा फेवरेट पास्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा जैसे हम लोग भारत में हैं तो कहीं ना कहीं अध्यात्म भक्ति और संत महात्माओं की भी हमारी जो है लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्रेशंस बना रहता है, तो आपके जीवन में ऐसा कौन है जिनको आपको लगता है कि ये मेरे आइडियल हो सकते हैं? मुझे बचपन से शिरडी साई बाबा पता नहीं क्या था काफ़ी एकदम बचपन से मुझे ऐसा था कि उनके सिंपल से उनके जो ये थे सबका मालिक एक हाँ। वो रेजोनेट कर रहा था कि अलग अलग यू नो रिलीजियंस वो सब क्या है क्यों है, सबका मालिक एक वो सब कुछ आंसर कर देता है, सब कुछ एक ही है। तो वो सबसे पहला कनेक्शन मेरा ये हुआ था। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए उसके बाद फिर शिरडी गए, फिर साई बाबा के बारे में पढ़ा, वो भी संत थे यू नो उनके स्टोरीज और वो सब पढ़ी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साउथ इंडिया में वैसे भी भगवान और मंदिर और उसका वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ साई बाबा का जो उनके लाइफ से आप जो सीख सकते हो उसमें से चीज़ें मैंने ली और फिर वो टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी मन झुकता गया। बिल्कुल। कि आखिरकार आप हो क्या, एज ए ह्यूमन आप क्या हो, इसके बाद क्या,
तो वो सब क्वेश्चंस आती गई दिमाग में और फिर वहाँ से धीरे से फिर अभी ब्रह्म कुमारीज और राजयोगा का कोर्स और वो सब वो करने के बाद फिर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अभी तक हम जो फॉलो किया करते थे वो क्या था और अभी एक्चुअल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, एक रियल फेस माना आपके सामने आ गया। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में जब हम लोग रहते हैं तो संत महात्माओं का प्रभाव या उनके चेहरे या उनके जो शब्द है वो हमारे मन को जो है कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं और उस तरफ आने के लिए स्पिरिचुअलिटी भी कुछ एक हिस्सा है हमारे जीवन का जिसकी तरफ हमें जाना है, ये मैसेज ज़रूर इनकलकेट करते हैं। और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा सबका मालिक है, कि ये अपने आप में ये शब्द जो है बहुत पावरफुल है जो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हम ईश्वर के, हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो वो हमें इनडायरेक्टली ये मैसेज देता है कि हम सब एक है। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं या किसी संत महात्माओं के बताए हुए बातें हैं, वो यही कि हम सभी को ह्यूमन को ह्यूमन से जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई हम लोग जिस धर्म या जिस रिलीजियस को मानते हैं तो वो चीज़ें हमें घर में ही हमें फॉलो करना है, उसको कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि आप जिस बर्थ जहाँ हो रहा है, हम जो आप क्रिश्चियन में जन्म लिया तो क्रिश्चियन आपका धर्म हो जाता है, ईसाई घर में जन्म हो गया तो ईसाई हो गया, आप हिंदू धर्म में जन्म हो गए तो वहाँ हिंदू बन गया आप, है ना। तो वो तो बाय बर्थ है आपका, उसका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनबिल्ट है। जैसे आप बाहर आते हो तो सब एक हिंदुस्तानी हो ये प्रचार होना चाहिए। करेक्ट, वी आर वन। करेक्ट, तो लोग गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, हम गलती से धर्म का प्रचार करने में लग जाते हैं तो वहाँ मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल, धर्म आपका ऑलरेडी है, इनबिल्ड है, वो उसको फॉलो करना ही आपको, उससे कोई आपको अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब आप बाहर आते हो तो एक भारतीय हो, इस नाते से अगर आप एक इंसान को इंसानियत के तौर पर देखते हो, धर्म इंसान को इंसान की तरह देखने के लिए मैसेज दिया हुआ, वो मैसेज आपको ऑलरेडी घर में मिला हुआ है, उसको सिर्फ बाहर आके इम्प्लीमेंट करना। जी, जी। और ये इम्प्लीमेंट करने के वजह हम लोग तो वो चीज़ें बड़ा यूनिक लगा मुझे। अल्टीमेटली सब कुछ इंसानियत है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ, दो लोगों के बीच का कनेक्शन, बिल्कुल बैकग्राउंड और वो सब भूल जाओ कि कहाँ पैदा हुए हो, किधर हो, क्या है, क्या नहीं, है ना, वो ही मायने नहीं, मायने नहीं रखता। आपका वो जो कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में आप कितना दिल से वो कॉन्वर्स करते हो वो इम्पोर्टेंट है। सामने वाले को भी लगना चाहिए कि नहीं, पता चला कि आप देख इधर रहे हो, बातें कहीं और का कर रहे हो, सडनली वो कनेक्शन टूट, कोई फायदा नहीं है। वैसे ही हमें जो है एक इंसान को इंसानियत के रूप में देखते हुए कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जो खुशी मिलेगा आपको, वो खुशी ही अपने को जो है हमारी पूरी दुनिया को जो है एनलाइट करता है, हमें एनलाइट करता है, और जो मैसेज हमें धर्म से मिला है वो फुलफिल हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्त हो गया है ब्रेक का। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। करा
किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे सन्न। प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सर जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, झलक तुम्हारी वो भगवान, है ना। जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है या आप उसको फील करते हो और एंजॉय करते हो कि ईश्वर मेरे साथ है, है ना। कभी कभी ऐसा हम लोग सोचना चाहिए हमें, नहीं हम लोग सोचते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ईश्वर भी मेरे साथ है ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज के समय की ज़रूरत है। इसीलिए किसी ने बहुत खूबसूरत शब्द कहे हैं ईश्वर के लिए, खुदा के लिए। खुदा उस एहसास का नाम है, खुदा उस एहसास का नाम है जो हो सामने पर दिखाई ना दे। तो इसीलिए उसको हमेशा जो है जब याद करेंगे वो आपके साथ हो जाता है। बस इतना शर्त है कि वो दिखता नहीं है और इंसान दिखता है, तो ये फ़र्क है। एन्जॉय कीजिए, ईश्वर भी आपके साथ है ये समझ के, तो आपके कार्य क्षेत्र या आप जो एक्शन करते हैं वो बहुत ही प्योर और पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि आप जैसे कि हम लोग आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है, किसी भी बड़े मॉल में या कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पहले ही बोर्ड मिलता है यू आर अंडर CCTV कैमरा, है ना। तो फिर हम लोग बड़े अटेंशन से हर चीज़ को देखते हैं। हमारे बोलने में भी वो एक नमी रहती है, एक अच्छे इंसान की तरह बात करते हैं, है ना। तो वैसे देखिए कि आप ईश्वर के कैमरे के साथ हो, ईश्वर भी आपको देख रहा है, तो ईश्वर आपको देख रहा है तो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुशी से आप कार्य कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से सुबु जी को जोड़ना चाहूँगा आपके साथ में। यस सुबु जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं,
तो ऐसा कुछ बताइए कि जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास हैं, जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो अपग्रेड करते करते उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, वो स्टेबल नहीं हो पाते, तो ऐसे में क्या उनके फाइनेंस को हेल्प मिल सके बैंक से, या फिर वो अपने फाइनेंस को कैसे स्टेबल जो है छोटा स्मॉल बजट करके कैसे अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं सैलरी क्लास हूँ, इसलिए मैं सैलरी क्लास के लिए मैं कुछ दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जी। वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने इतने सारे सालों के बाद यू नो आपने रियलाइज़ किया कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपये में कमा रहा हूँ राइट, आपको आपका घर चलाना है तो उसके लिए आप एक पोर्शन निकाल के रखेंगे, आपके बच्चों के लिए उनके फ्यूचर और उनके एजुकेशन के लिए उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करो, और तीसरा और बहुत अहम जो पोर्शन है वो है आपका सेविंग्स। क्योंकि आज आपका सैलरी आ रहा है तो घर चल रहा है, कल आप रिटायर होंगे तब आपको जो सेविंग्स जो करके जो रखना है, तो अंदाज़ा एक्चुअली ऐसा है, एक कैलकुलेशन ऐसा बोलता है कि 20% ऑफ योर सैलरी अगर आप साइड में निकाल के रखते हैं वो आपको कल के लिए आप उसको यू नो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और कल जाके वो जब आप इन्वेस्ट करके रखते हैं वो जाके फिर आपको बाद में जाके फ़ायदा होता है। और चौथा और लास्ट हिस्सा, भगवान के वजह से आपके घर में सैलरी आ रहा है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो अगर आप एक 5% उसमें से आप निकालते हो टूवर्ड्स डोनेशन, टूवर्ड्स आप जिस किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो जी, 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 बच्चों के लिए या फिर विमेन के लिए, एजुकेशन के लिए, उन सब इस पे अगर आपको डोनेट करना हो, डोनेट ऐसा करिए जहाँ पर आपका दिल मानता हो, तो वहाँ जाके आप डोनेट करोगे तो फिर ये आपका जरिया हो जाएगा कि आप यू आर गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। जी जी जी, जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अपने सैलरी का जो है कुछ पोर्शन रेगुलर आपका जो लगता है ग्रेन्स वगैरह जो भी नीडी है उन चीज़ों के लिए निकालिए, कुछ पोर्शन आप अपने सेफ्टी के लिए रखिए और कुछ पोर्शन आप सेविंग के लिए रखिए, यही, और लास्ट में डोनेशन के लिए भी रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, 4 पोर्शन जो आपको करना है, अगर आप इस तरह से मैनेज करते हो तो निश्चित तौर पर कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, माना कुछ समय के बाद आप अच्छा फील करेंगे और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक ठाक ही हो जाएगा। लेकिन हमारी जो मानसिकता है ना, हम तो कमाते ही 100 है हमको तो 500 की ज़रूरत है, तो उसमें क्या निचोड़े क्या खाए, ऐसा हो जाता है। 100 तो मैंने एग्जांपल दिया, 100 गिन लो, 1000 गिन लो, 10000 गिन लो, पर परसेंटेज में 50% आपका डे टू डे मंथली रूटीन और वो सब, 20% आपका हो गया टूवर्ड्स स्टडीज, 20-25% टूवर्ड्स दैट, 75 हो गया, बाकी 20% आपका हो गया टूवर्ड्स आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस, और 5-10% डिपेंडिंग अपॉन आपका आपको जो जैसा ठीक लगे टूवर्ड्स डोनेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और आपको आगे जाके आपको अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल। आपने कोई फॉर एग्जाम्पल अंडर प्रिविलेज कोई बच्चा है, उसके स्टडीज के लिए अगर आपने स्पॉन्सर किया जी, 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 कल उठ के उसी बच्चे को आप देख रहे हो कि वो बच्ची बड़ी हो रही है और वो वैसा सब, और वो देख के आपको एक अजीब सी जो खुशी मिलती है, बिल्कुल सुकून मिलता है अंदर जी। सुबु जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात है लेकिन इस बात को ठीक से अगर हम समझ लें तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमेशा व्यक्ति जो है ना संयम और नियम से अलग होना चाहता है, वो चाहता है कि अपना मन मर्जी करे और इस वजह से इसका फाइनेंशियल जो चीज़ें चाहिए उसको वो बैलेंस नहीं कर पाता, या उस तक अचीव करने में उसको टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपको अगर अपना फाइनेंशियल बढ़ाना है, आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं ऐसा होता है, तो आप काम करना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे काम करना शुरू कर दीजिए, उसमें जो अर्निंग होगा उसको फिर इस तरह से आपको जो है शेयरिंग में रखना होगा, तब जाके आप अच्छा जो है आपका फाइनेंस भी हो जाएगा
और एक रेगुलर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, माना एक रेगुलर टाइम, रेगुलर जो है आप इस तरह से हर महीने आप करते जाएंगे तो साल भर में आप कैलकुलेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपका बजट भी बना हुआ है और आपका बाकी काम भी ठीक ढंग से हो रहे हैं। बस यही है कि आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो एक सिस्टम आपके अपने होने चाहिए जिस पे आपको खुद को खरा उतरना है और जब आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने शुभ जी बताया। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो, जैसे मैंने पहले मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स मैं बहुत फॉलो करता हूँ और काफ़ी सारे ऐसे इंस्पिरेशनल यू नो स्पोर्ट आइकन इंडिया में वर्ल्डवाइड है जिनसे आप वापस कुछ ना कुछ सीखते हो। सचिन तेंदुलकर हर कोई जानता है, राइट, उनको इतने बड़े 24 साल तक खेले हैं वो और वो खुद उनका कहा हुआ है, उनका उनके बुक्स और वो सभी निकले हैं उसमें भी उनका क्लियरली उन्होंने बोला है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। जितने भी बड़े हो जाओ लेकिन हार्डवर्क किए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलती से शॉर्ट टर्म में कुछ लक काम कर गया, कुछ काम कर गया, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिल गया, वो अलग बात है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म जो आप जो बता रहे हो, कंसिस्टेंसी जो मिलना चाहिए लाइफ से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवर्क देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो आप करते जाओगे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें आप लेके आओगे। जो आप हम पहले जो बात कर रहे थे 20% टूवर्ड्स सेविंग्स, सेविंग्स भी आप वो 20% को आप अलग अलग, थोड़ा FD कर लिया, थोड़ा SIP कर लिया, बिल्कुल पैसा सब करके आप करते जाओ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो फायदा है वो मिलता है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, आज से 10 साल के बाद वो आपको आज ही का 10 रुपए जब आप देखोगे तो आपको सडनली वो स्वेल होता हुआ दिखेगा। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आप इस बात को वही एक रेगुलर जो चीज़ें हैं वो आप कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें आसान होगा। 10 या 5 साल के बाद आप अपने आप को फील करेंगे कि समथिंग इज़ बहुत ज़्यादा हम लोग आगे हैं। अदरवाइज़ आप सोचते रहेंगे, बाद में करेंगे, बढ़ने के बाद करेंगे, अपना ठीक होने के बाद करेंगे, तो वो ना कब अपना ठीक होगा ना आप ठीक होंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी एक सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करें। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि शुभ जी एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे संगीत के साथ आपका जो है, संगीत सबको अच्छा लगता है जी, तो कुछ गीत संगीत आपको जो अच्छा लगता है उसमें से कोई एक गीत आप बताइए क्यों अच्छा लगता है। गीत संगीत हम स्पेशली हिंदुस्तानियों का ये है कि बॉलीवुड गिन लो, कुछ भी गिन लो, पर उसका एफिनिटी लाइकिंग उसके लिए तो वो होता ही होता है। वापस स्कूल कॉलेज और वो सब, तब ऐसा था कि अपने किशोर कुमार और रफ़ी लता दीदी और जी, उन सब के जो गाने हैं वो आज आप सुनोगे, कभी भी आप सुनोगे, वो एवरग्रीन गाने हैं। आजकल के गाने, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, आजकल के गाने ऐसा है कि आज जो बना है वो 30 दिन के बाद आपको शायद याद भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन पुराने गाने आप देख लो, सुन लो, तो फिर वो कुछ समय तक याद रहे, हमेशा रहता है साथ में। सो मेरे जो फेवरेट सिंगर रहे हैं वो किशोर कुमार और उनके गाने सब कुछ है उसमें। उसमें लाइफ है, उसमें उनके एक्सप्रेशंस है, एक भगवान ने अलग ही टाइम लेके शायद बनाया है उनको, ऐसा अंदाज आता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, गाते भी थे, म्यूजिक कंपोज करते थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, सब कुछ थे, ऑल इन वन, ऑलराउंडर जैसे आप बोल सकते, वैसा ये था। और संगीत, आपको संगीत इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल राइट, आप जो मेडिटेटिव स्टेट में आप जब जाते हो, जब आप रियाज करते हो, आप जब गाना सीखते हो, रियाज करते हो, जब उस जोन में जब आप जाते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, सो संगीत एक्चुअली आपको यू नो वो वाला जरिया भी दे देता है। तो कोई एक गीत आपका जो पसंदीदा हो, किशोर कुमार का कोई भी आप नहीं, कोई भी एक लाइन बताइए जो गाना आपको बहुत अच्छा लगता है। वापस किशोर का ही गाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए शुभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा जो है मैसेज आपने कोट किया है और निश्चित तौर पे आपकी जो भावनाएं, विचार जो है हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा होगा और जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक अलग जो फील है,
एक आनंद आता है और एक एक अच्छे इंसान की जो है खुशबू आपके शब्दों में नज़र आया। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह बने रहें और अब आध्यात्मिक का जो आपने स्पेशल आपको जो है ब्लेसिंग मिला है, 3 दिन आपने उसको पाया है, तो मैं चाहूँगा इसको और बढ़ाएं, इसके साथ में जिए आप, क्योंकि हम जीवन जीते हैं तो कॉमन मैन की तरह खाना पीना रहना काम करना ये होता ही है, लेकिन यहाँ वो सब चीज़ों को साइड में रख के और स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़ के जीना, ये अपने आप में एक और जीवन है। तो इसलिए कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू लिव यू शुड डाई, तो ये स्पिरिचुअल डायलॉग है। अरे वाह, हाँ, पहले मरो तो जियोगे, मरे बिना स्वर्ग नहीं। बिल्कुल। तो अब यहाँ वो चीज़ है कि भाई लोग समझते हैं कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, है ना, जो लोग चले जाते हैं उनको बोलते हैं हेवनली अबोर्ड हो गए, है ना, स्वर्ग गए, स्वर्ग पधार गए, ऐसे बोलते हैं। तो अब वो बंदा स्वर्ग गया नहीं गया इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम अध्यात्म को अपनाते हैं तो स्वर्ग की जो फीलिंग है, स्वर्ग मना के सुकून, तो यहाँ हम लोग जीते जी जब हम लोग इन सारी चीज़ों को साक्षी होके देखते हैं और सुकून जो आत्मा का है, आंतरिक शक्तियों को जानने लगते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट को देखते हैं, हमारा सोचने का, हमारा बोलने का, हमारा देखने का, सुनने का नज़रिया बदल जाता है, तो वो भी एक सुकून मिलता है। तो वो सुकून स्वर्ग से भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि उसको हमेशा जो है एक बहुत बड़ी अनसीन डायमंड आपके पास आ गया। जी जी। और उसको संभाल के अपने पास रखने का काम आपको करना है। करेक्ट। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है, वह स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया। हाँ, वो दिन तो कभी आएगा ही नहीं, वो तो सीखते सीखते आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। कल से आज मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ, आज से मैं कल बेटर कैसे हो सकता हूँ, कंटिन्यूस लर्निंग, वो उसमें उसमें आप जुड़ते जाओगे। ये एक जर्नी है और कंप्लीट होते ही आप यहाँ नहीं रहते। बिल्कुल। आपका कंप्लीटनेस जो है वो लोगों को पता चल जाता है। जी ठीक है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और कभी वक्त मिले तो अध्यात्म का भी चिंतन करेंगे और बातें करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के दिन बस इतना ही इस शो में और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए और मैं चाहूँगा जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो वो बातें आप फिर से एक बार अपने आप से भी बातें कीजिए, अपने आप पर भी अप्लाई करके देखें। पहले से लेकर अब तक जो बातें आपको टच किया कि अरे हाँ ये तो करना था, तो उस चीज़ को लिख के रखिए और उसको करके देखिए, फिर एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कराते रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, 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 उड़ने उड़ने हो।
दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।